सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम करने वाले हैं हनी सिंह के पायल गाने का डिकंस्ट्रक्शन। उसमें देखने वाले हैं क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं, उसमें किस तरीके से वो ट्रैक बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें गिटार यूज हुई है जो कि मैंने स्ट्रम जीएस यूज करी है। उसमें कॉर्ड्स यूज करें, उसके बाद एक अलग नोट्स बजते हैं उसमें जो कि अब मैंने साकुरा में लिए हैं। ठीक है, उसको मैंने थोड़ी सी पैनिंग की हुई है उसकी, लेकिन इलेक्ट्रिक पियानो बजता है। वही है, बस वही कॉर्ड्स ले लिए हैं। उसके ऊपर वाले नोट्स जो उसके नेक्स्ट ऑक्टेव की जगह मैंने नीचे की ऑक्टेव में ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में देखिए बेस और ऐड हुआ है इसमें, एक ये रहा बेस। ठीक है, तो आप इसकी रिलीज थोड़ी सी बढ़ा देना बेस की, और आप चाहें तो अपने जो अपना इलेक्ट्रिक पियानो है उसमें आप एक बेस नोट जरूर ऐड कर लेना। अब जो अपना तबला यूज हुआ है इसमें, तबला एक बार सुन लेते हैं। क्लैप के साथ ऐसा लगता है तबला। इसके मैं एलिमेंट्स भी सुना देता हूं आपको, क्या क्या एलिमेंट्स हुए हैं इसमें यूज। अब हम तबले में देख लेते हैं क्या क्या बजाया इसमें एलिमेंट्स। और इसमें हाँ, एक मैंने ढोलक की थाप ली है जो मुझे लगता है वो बजती है, वो ढोलक की थाप लगती है मेरे को। अब ये रही अपनी क्लैप, ये तीन है, तीनों साउंड आपको सुना देता हूं। और मैंने बैन क्लैप से, ये बहुत ही क्लीन क्लैप थी, मैंने इसको EQ कराया था कि मुझे थोड़ी सी मडी सी क्लैप मिले। डिफरेंस सुन सकते हैं आप इसका, बेस के साथ सुन के देखते हैं। हमारा बेस है ये, बेस को सुन के देखते हैं। नोट्स ऐसे हैं, इसकी रिलीज बढ़ाई हुई है मैंने, दूसरे वाले की रिलीज मैंने इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई हुई इसकी। अब एक साथ सुन के देखते हैं। एक इसमें बीच में एलिमेंट यूज हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रैपर है, पता नहीं क्या है, ये मुझे मिल गया था स्टॉक में FL स्टूडियो के। अब यहाँ पर क्या है, हनी सिंह के गाने में इसमें एक और एलिमेंट यूज हुआ है जो कि बीच में बजता है। यहाँ पर मैं एक एक करके आपको एलिमेंट सुना देता हूँ। एक तो ट्रम्पेट है जो कि FL स्टूडियो के फ्लैक्स में मिल गया था मुझको, और अपना सिंथ ब्रास है वो भी मुझे FL स्टूडियो के फ्लैक्स में मिल गया था। और मैंने मिनी सिंथ ली है इसमें, मतलब तीनों ही स्टॉक हैं। तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि स्टॉक प्लगइन्स को यूज करके ही ऑडियो ट्रैक बनाऊं, ताकि जो भी इसको देख रहे हैं, जो भी अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनको दिक्कत ना आए कि 10 प्लगइन उनको लेनी पड़े अलग से। फिर इसमें एक डबस्टेप टाइप का म्यूजिक बजता है। डबस्टेप में इतना अच्छा हाथ नहीं है जब भी मैंने ट्राई करा बनाने का। ये रहे अपने एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स यूज करें मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें स्टॉक प्लगइन के, ये सबसे पहले तो मॉर्फाइन आप जो भी बोले इसको, बेल टाइप का म्यूजिक है इसमें। और मैंने सीरम का यूज किया इसमें, मुझे उसमें डबस्टेप टाइप की फील दे रहा था ये। एक उसमें पहले से था प्रीसेट, मैंने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी थी ये वाला। और इसमें मैंने टिंग के बेल लिया था जो कि फ्लेक्स का है।
और इस टाइप से ये पूरा ट्रैक बन जाता है। आँखों पे काला है।